नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में आम आदमी पार्टी के घोसी सदर प्रत्याशी शिव गोविंद सिंह के भाजपा में चले जाने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी पार्टी ने भाजपा के एक नेता समेत कई लोगों को आज अपनी पार्टी में शामिल कराया है। लेकिन आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले भाजपा नेता कृपा शंकर पाठक राजनीतिक गलियारों में चर्चा के विषय बने हुए हैं। कृपा शंकर पाठक भाजपा नेता के साथ ऑटो चालक यूनियन प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। आज आम आदमी पार्टी ने उनको पार्टी कार्यालय पर सदस्यता दिलाई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि कृपा शंकर पाठक एक जुझारू नेता है, वे भाजपा में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं भाजपा छोड़ आपका दामन थामने वाले कृपा शंकर पाठक ने कहा कि जब कार्यकर्ता को नौकर समझ लेता है तो उसके नेता ये समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही धर्म है और जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, तो निश्चित रूप से वह पार्टी पराभूत की तरफ जाती है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा उसी रास्ते की ओर बढ़ रही है, इसलिए इन्होंने भाजपा को छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब कार्यकर्ताओं को उनके बड़े नेता नौकर समझने लगते हैं और इसके बाद वो ये समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही धर्म है और जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, तो निश्चित रूप से वह पार्टी फिर पराभूत की तरफ जाती है। और यह वाक्य कहीं न कहीं एकाध राजनीतिक दलों का परिदृश्य आईना के रूप में पूरे समाज में रहा है और उसी रास्ते पर यह भारतीय जनता पार्टी भी जब अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके यह काम कर रही है। मैं तो यह बात आप सभी पत्रकार बंधु जितने लोग हैं सब लोग जानते हैं कि जब से मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष का जो परिमाप है, यदि उस परिमाप में आप सभी लोग किसी भी बड़े नेता से पूछें या किसी से भी पूछे तो यह समझ में आ जाएगा आपको कि कार्यकर्ताओं की कितनी उपेक्षा है। महंगाई, उत्पीड़न, विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न, चाहे ऑटो रिक्शा चालकों का उत्पीड़न रहा हो, चाहे समाज में किसानों का उत्पीड़न रहा हो, चाहे किसानों के गल्ला के खरीद के जो है धान क्रय केंद्र, गेहूं क्रय केंद्र के खरीद का उत्पीड़न रहा, विभिन्न पहलुओं में पेट्रोल डीजल की महंगाई, आमतौर पर सारी बातें हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमने इस्तीफा भी सौंपा कि जब कहीं कोई सुनवाई नहीं कार्यकर्ता की। और जैसा कि माननीय केजरीवाल जी ने एक बार कहा कि अगर हमारी पार्टी में कोई पैसा लेके टिकट देने की बात अगर आ जाए, बता दे कोई, तो हम उसको पार्टी से निकाल बाहर कर देंगे, अर्थात ऐसी बात कहीं नहीं। लेकिन यह कहने में मुझे गुरेज नहीं कि जिस तरह से राजनीतिक दलों में मान लीजिए जो लोग ठीक है तो ठीक है, जिन लोगों का थोड़ा बहुत जनता ने भाव दे दिया वो लोग उस भाव को बेभाव होकर के अपने टिकटों को बेचने लगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।